पहले तो हमारा शो था, शो में हमारे गेस्ट थी रिमी सेन। रिमी सेन के घर पे हम लोग पैसा पहुंचा के आए थे। मैं खुद उसके घर पे उसके मॉम के हाथ में पैसा पहुंचा के आऊँ 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ पहुंचाने के बाद हमारी डील हुई थी 3 लाख रुपीज़ में। और 3 लाख रुपीज़ में जब डील हुई थी, शो के एक दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया, सौरभ शर्मा को मैसेज किया, मुझे तो नहीं, सौरभ शर्मा को मैसेज किया, बोला कि अभी मेरे को एंड मोमेंट पर 4 लाख रुपया लूँगी तो मैं आऊँगी, अदरवाइज मैं आपका नाम खराब करूंगी। फिर उन्होंने पोस्ट किया हमारे बारे में कि फ्रॉड अलर्ट, ये फ्रॉड है, ये लोग आर्टिस्ट को पैसा देते नहीं है और आर्टिस्ट पहुंचते नहीं है। तो ये सारी जो उन्होंने बातचीत की थी, अगर आर्टिस्ट को पैसा नहीं मिलता है तो आर्टिस्ट शो में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं करता है, डिमांड करता है एंड मोमेंट पर कि उनको पता है कि शो ऑर्गेनाइज़र की गरज है, अगर मैं नहीं पहुँचूँगी तो मैं उससे पैसा ऐड सकती हूँ या तो मैं उनका नाम खराब करूँगी। तो वही चीज़ उन्होंने हरकत की, जो आज तक मेरे साथ में 16 साल में किसी भी आर्टिस्ट ने ऐसा काम नहीं किया जो उस बंदी ने मेरे साथ ऐसा काम किया। हमारा फेसबुक पे वायरल करके ये सब कुछ जताना चाहा, हमारा मतलब हमने ऑलरेडी मानहानि का केस किया हुआ है ऑलरेडी उनके ऊपर, या तो वो हमसे माफ़ी मांगे या हमारे साथ में कोर्ट में आए, कोर्ट में हमसे बातचीत करेंगे, हमारा एडवोकेट उनसे बातचीत कर रहा है ऑलरेडी। सेकेंडरी, मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई डील नहीं था, दीपक भाई ने पूरा डील किया था, दीपक भाई का ही पूरा कम्युनिकेशन हो रहा था, और दीपक भाई के साथ मिस्टर अनुज चुके करके जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट करते हैं उन्होंने ही पूरा डील किया, दोनों ही पैसा देने गए थे। मेरा नाम मतलब मेरे को एंड टाइम पे फोन करके मेरे को ब्लैकमेल किया गया, अगर मेरे को अगर आपने 4 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं आपका भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, और जो कि उसने कर दिया। और एंड टाइम पे मेरे को मैसेजेस हैं, मेरे पास पूरा स्क्रीनशॉट मैंने मेरे लॉयर को दिया है, मैंने उसके ऊपर 50 लाख का मानहानि का केस दर्ज किया है और उसको पर्टिकुलर एक नोटिस गया है सुप्रीम कोर्ट से, अभी तक उनका कोई आंसर नहीं आया है, मैं उनके आंसर का वेट करूंगा, अदरवाइज उनका क्या नॉन बिलेबल वारंट निकलेगा उनका। एग्रीमेंट नहीं, इन्होंने कोई वर्बली दीपक भाई और अनुज चुके के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी, इन दोनों ने पूरी डील करी, मेरा कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ उसके पास मेरा नंबर था, उसने 28 का इवेंट था, 27 को मेरे को मैसेजेस करना चालू किए कि अगर मेरे को रात तक पैसे नहीं देंगे तो मैं आपका इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी, मैं आपको बदनाम करूँगी, सौरभ एंटरटेनमेंट को बदनाम करूँगी, और मेरे काफ़ी चीज़ें उसने मेरी रेपुटेशन को डाउन करने की फुल फ्लैश कोशिश करी है, और ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं करता है। फिर मेरी जो मेरे ये 3 लाख में डील हुई थी, 3 लाख में 1 लाख रुपए उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने एडवांस लिया है, और रात तक अगर मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं पोस्ट भी करूंगी और आऊंगी भी नहीं। सेकेंड डे जिस दिन हमारा इवेंट था, मॉर्निंग में 4 लाख की डिमांड करी, वो भी मेरे पास मैसेजेस हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2 लाख बैलेंस है, उन्होंने बोला नहीं मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, अभी जो भी बात होगी अनुज चुके के थ्रू बात होगी, अनुज चुके पे 4 लाख रुपए पहुंचेंगे, उसके बावजूद ही मैं आऊंगी। वो हाँ, वो 1 लाख रुपए जो दिया था दीपक जी ने दिया था, घर पे जाके दिया था उसमें, हाँ कैश में दिया था, जिसमें विटनेस हैं रंजना करके हैं, रंजना की डॉटर है और अनुज चुके हैं। हाँ नोटिस मैंने भेजा है, कल मैं इनको नोटिस रिसीव भी हो गया है, उनके मैसेज भी आने चालू हो गए, पर मेरे लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं कि मेरे को कोई भी बात नहीं करनी है, जो भी बात करेगा मेरा लॉयर करेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।